जाने के बाद वंदना डाडेल ने उद्योग विभाग की कमान संभाल ली है। जिम्मेदारी संभालने के बाद वंदना डाडेल विभाग में कई नीतिगत बदलाव की जरूरत महसूस की है। फिलहाल जमीन आवंटन के मामले की मॉनिटरिंग पर ध्यान दे रही हैं। उद्योग विभाग की कमान संभाल ली है। पूजा सिंगल के बाद यह सवाल पूछा जा रहा था कि उद्योग विभाग की गंदगी कौन साफ करेगा। जिम्मेदारी संभालने के बाद वंदना डाडेल ने एक विभागीय बैठक की है। बैठक के बाद उन्होंने कहा है कि विभाग की कई पुरानी नीतियों को बदलने की जरूरत है और कुछ नई नीतियां पहले से निर्माण की प्रक्रिया में है, जैसे इथेनॉल पॉलिसी, बैटरी वाहन निर्माण पॉलिसी और प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। सेक्टर वाइज हम लोग को थोड़ा सा एग्जामिन करने की आवश्यकता है, क्योंकि सेक्टर वाइज लोगों की अलग अलग आवश्यकताएं हैं, जिसके लिए हो सकता है कि हम लोग को नीतिगत या फिर एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग को कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता होगी, तो उसको निश्चित रूप से हम लोग देखें। उद्योग विभाग में एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया था ताकि प्रदेश में नए उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। वंदना डाडेल ने कहा है कि उद्योग लगाने की प्रक्रिया और उद्योग लगा चुके लोगों की गतिविधियों की भी मॉनिटरिंग की जरूरत है, जिसकी कमी से भ्रष्टाचार पनपता है। विभाग में जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स का इंटरफेस एक तरह से सिंगल विंडो के माध्यम से होता है, और अभी कुछ दिनों में उद्योग संगठनों से इंटरेक्शन हमारी हुई थी और सबों का यह कहना है कि जो सिंगल विंडो के माध्यम से जो कार्य होते हैं वहाँ पर और अधिक रिग्रस मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ताकि उद्योगों को फिर मैनुअल इंटर जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको मैनुअल इंटरफेस की आवश्यकता नहीं हो, सिंगल विंडो के माध्यम से सारी कार्रवाई हो। पूजा सिंगल के समय उद्योग विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था। मोमेंटम झारखंड के अंतर्गत बहुत सारे लोगों ने जमीन तो ले लिए, लेकिन उन्होंने जमीन पर उद्योग नहीं लगाया। शिकायत यह मिली थी कि उन उद्योगपतियों से मोटी रकम मांगी जा रही थी। नई उद्योग सचिव को उन तमाम मामलों की समीक्षा करनी चाहिए जो पूजा सिंगल के समय पेंडिंग पड़े हुए। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन उमेश के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।